आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के करतालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक को लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी के घोषित प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में AIMIM प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से, अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने छोड़ी है वहां से उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुड्डू जमाली इससे पूर्व बसपा में ही थे। मुबारकपुर से दो बार विधायक भी चुने गए थे। 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं जब मुलायम सिंह यादव लड़े थे। गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ के करतालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक को लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी के घोषित प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में AIMIM प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से, अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने छोड़ी है वहां से उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुड्डू जमाली इससे पूर्व बसपा में ही थे। मुबारकपुर से दो बार विधायक भी चुने गए थे। 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं जब मुलायम सिंह यादव लड़े थे। गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा मुसलमानों को अपना जागीर समझती है। खुद के बारे में कहा कि उनके साथ 100% मुसलमान हैं और ये भी फख्र की बात है उनके लिए कि हिंदुओं के अगले पिछड़े कई लोग उनके साथ हैं। अपने बलबूते पर उन्होंने मुबारकपुर चुनाव में ज्यादा काफी ज्यादा वोट पाया, लेकिन उनके साथ बेस वोट नहीं था। अगर उनके साथ दलित वोट रहता तो और निश्चित जीत जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। नहीं, कहना क्या, ये तो हमारा भाई यही हमारा ओरिजिनल घर था, हमारी पैदाइश यही हुई और मैंने अपना पॉलिटिकल करियर यहीं से शुरू किया। बीच में हालात ज़रूर ऐसे बने कि दो चार महीने के लिए हम ज़रूर उससे अलग हुए, दूर हुए, लेकिन दिल दिमाग से आप लोगों ने भी चुनाव के दौरान भी देखा होगा, बहुत लोग मुझसे मिले भी थे। तभी मैं हमेशा कहता था कि भाई मैं मिशनरी आदमी हूँ और जिस दल में गया था या जिसके सैंबल से लड़ा था वो लोग भी मिशनरी सोच के ही लोग, वो लोग भी जय भीम और जय भीम का ही नारा लगाते। और दोबारा इसलिए इस बात को हम इसमें दोबारा हमने ज्वाइन किया या आए हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहने में कोई बुराई नहीं कि आज बीएसपी ही मुझे लगता है इस वक्त ये विकल्प है जो हम लोग इसमें जुड़ करके समाजवादी जैसे पाखंडी हों, चाहे भाजपा का जो एक जो उनका जो समाज को नफरत की राजनीति करते हैं उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो बीएसपी रोक सकता है, क्योंकि जो एक जो 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 एक बैलेंस वोट है, जो एक बेस वोट है, अगर उसमें हम लोगों का वोट मिलता है और समाज में हमारे जो और हिंदू भाई हैं ऐसी सोच समझ के जो चाहते हैं कि समाज में एक न्याय की व्यवस्था कायम हो, तो वो सिर्फ बीएसपी है। और ये भी आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से, ज़िंदगी में शालम ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं जिस दल में भी गया वहाँ भी था, और जब मैं आया तो पहले मैंने उनको बताया, उनसे बात किया, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं शालम भाई आपकी सोच ठीक है और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, खुशी आप जाइए। हमने उनको ये तर्क बताया कि हम वोट लेके लड़ के काट तो सकते हैं मगर हम लोग समाज को जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं जीत नहीं सकते, ईमानदारी से कहने में उसको क्या बुराई क्या है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इस प्रदेश में सिर्फ एक विकल्प, सिर्फ और सिर्फ आखिरी विकल्प है और वो है बहुजन समाज पार्टी। सबको और सबने देख लिया और मैं तो जिस समाज से आता हूँ मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है कि उस समाज ने हमेशा इसी भावना से वोट दिया कि हमको फलां को हराना है, फलां को हरा, कभी अपने लिए वोट दिया ही नहीं। अब तो मैं कहता हूँ मेरे भाई कि इस माध्यम से मैं चाहता हूँ ये चलाइएगा ज़रूर, उन लोगों से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपने खूब टेस्ट कर लिया, खूब आपने टेस्ट किए, हमेशा आपने इसी भावना से वोट दिया कि आपको हमें फलां को हराना है तो हम आपको दे दें। अब आप ऐसे वोट मत दीजिए, आप उसको वोट दीजिए जो इस ताकत में है और आपकी ताकत मिलके जो सरकार बदल सकती है, सरकार बना सकती है। 20-20 40 होते हैं,
8 और 20 28 होते हैं, इस गिनती को सबको समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि खाली दलित और मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण भाई भी हैं, अपर कास्ट और हिंदू हैं, ओबीसी भाई है। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो समाज में एक समता मूलक समाज की निर्माण कर सकता है, समाज में हर आदमी को न्याय मिल सकता है। और बहन जी ने किया कहा नहीं, करके दिखाया। तो हम लोग तो मिशनरी सोच के हैं, हम लोगों का जीवन का राजनीति का उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं है। वी आर ए मिशनरी पीपल, वी आर डूइंग पॉलिटिक्स टू सर्व द सोसाइटी, नॉट टू गेन एनीथिंग। तो इसलिए आई बिलीव दैट BSP इज द ओनली ऑप्शन हु कैन स्टॉप दिस टाइप्स ऑफ यू नो, जो ये गलत हरकतों वाली पार्टियां हैं उनको सिर्फ और सिर्फ BSP रोक सकती है। अच्छा, कुल मिला देखिए कमियां कहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कमियां रहीं। BSP का वोट आज भी हमारा, ये विपरीत परिस्थितियों में भी हम जिस ज़िले में खड़े हैं हमारा वोट इंटैक्ट है। हाँ, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। अब जैसे मोराही समाज है, मुबारकपुर में मैंने रोक लिया, वो बात अलग है, मैं लड़ रहा था। बाकी और जगह हमारे लोग भी एक पार्टी में चले गए। हमारा OBC भाई भी सोच में पड़ गया कि यार कुछ लोग सत्ता के साथ चले गए कि शायद BJP आ जाएगी, इसी में चले जाओ, कुछ लोग सपा में चले गए। तो ये इस तरह से करके एक पोलराइजेशन कर लिया इन्होंने। और उसको जो कुछ लोग अच्छी मानसिकता के भी थे, उनको लगा कि यार ये सपा के लोग आएंगे तो फिर वही गुंडागर्दी और उस तरह की चीज़ें फैलाएंगे, वो लोग दोबारा वहाँ चले गए भाजपा में, जो नहीं भी देना चाहते थे। तो ये कुल मिला के हमारा समाज तो इसमें बह गया कि हमें भाजपा को रोकना है। वो बेचारा बार बार बह जाता है उसमें, लेकिन बार बार बह के नहीं रोक पाया। और ये लोग, इनकी तो सही बात है कि इनको तो हम लोग पहले से जानते थे कि सरकार में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक हवा बनाते थे कि यहाँ से लेके, हम लोग नोएडा से लेके यहाँ तक रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ समझते नहीं। हम पहले दिन से कहते थे कि बहुत मुश्किल है, ये 47 सीट से बहुत पहुंच जाएंगे, 150 पहुंच जाएंगे, इनकी आखिरी वहाँ भी नहीं पहुँचे, 125 तक रहेगी। मैं तो मंचों से कहता था, लेकिन हाँ, BSP सरकार बना सकती थी, BSP के पास क्षमता है, BSP का मूल वोट है। देखिए, एक आदमी के जेब में पैसा है, उसको कुछ मिलाओगे तो वो बढ़ जाए। 20 के साथ अगर हमारा ब्राह्मण भाई, OBC भाई, अपर कास्ट हिंदू भाई और हमारा मुसलमान भाई, अरे मैं तो कहता हूँ पूरा ना जुड़े, 75% जुड़ जाए, 60 जुड़ जाए, दूसरे दिन सरकार बन जाए। तो अब ये हालात पैदा हुए और अब हम लोग इसको इसी तहत काम करेंगे। और आप देखेंगे कि मुझे ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में BSP अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, जैसे पहले कर रही थी उससे भी स्ट्रांग होकर उभरेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाज़त, नमस्कार।